देखो कितने सारे रुपए हैं इसके पास, कितने रुपए दिखाओ ना। 2000। तो गाइस देखिए 500 का नोट नकली। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज मेरी ड्यूटी इवनिंग शिफ्ट है, तो मैं इवनिंग जाऊंगा। तो मैं अभी थोड़ा सा घर का काम भी कर रहा हूँ, जिसमें कि पौधों में पानी डालना है ऊपर छत पे, और बाकी नाश्ता करते हैं फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं ना फ्रेश होके। तो गाइस चलते हैं अभी हम लोग छत पे और पौधों में पानी डालते हैं। चलो ये उठा ली हमने बाल्टी और अब चलते हैं छत पे। तो गाइस आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि हमारी ये पुरानी टंकी थी, इसमें पानी छत पर निकलता था, गिरता था, तो हमने लास्ट ब्लॉक में दिखाया भी था आप लोगों को। तो हमने अब एक नई टंकी लगवा लिया है 1000 लीटर में। ये अभी लास्ट 2 वीक पहले ही लगवाई थी, तो आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी, तो अब ब्लॉक्स में दिखाएंगे। तो अभी हम लोग, ये हमारी तुलसी माता है, तो इसमें भी पानी डालेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं हमारे कितने सारे पौधे, कुछ पौधे तो यार इनमें प्लांट सूख भी गए हैं, तो धूप की वजह से सूख जाता। तो गाइस ज़रूर एक बार कमेंट करना कि हम उसको धूप से कैसे बचाएं और इनको कैसे सूखने से बचाया जाए। देखो मैं हमारे ना काफ़ी प्लांट सूख भी गए हैं, ये देख सकते हैं आप, बगा हमारे घर के बाहर का व्यू है। ये दशहरा मैदान है, यहाँ पर वहाँ पर दुर्गा पूजा लगेगी, देख सकते हैं पेड़ के पीछे, तो वहाँ पर दुर्गा पूजा लगेगी। दुर्गा पूजा की जो मूर्ति होती है वो देखो काम भी चल रहा है, और इधर सामने ही रामलीला होती है, ये मंच बना हुआ है। तो जब रामलीला चालू होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वहाँ पे पेड़ की जो पेड़ दिख रहा है ना बड़ा सा, उस पेड़ के पास वहाँ पे रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण तीन लोगों का पुतला भी चलता है। तो गाइस ये हमारे घर के पास की टंकी है, जिसमें कि हमारा बिना मोटर के पानी छत पर चढ़ता है, देख सकते हैं। अभी कोई मोटर नहीं चल रही है और फिर भी ये पानी चढ़ रहा है। तो गाइस बाल्टी भर चुके हैं, तो पहले हम लोग अपनी चप्पल उतार दें। मैं अपनी चप्पल उतार रहा हूँ और तुलसी मैया में पानी डालूँ, क्योंकि तुलसी माता हमारी भगवान ही है, तो हम लोग सब लोग ही इनकी पूजा करते हैं, तो चप्पल उतार के पानी डालना चाहिए ना। तो बस गाइस मैं पौधे में पानी डाल रहा हूँ। इस सब का कल एग्ज़ाम है, तो वो वहाँ नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि तो उसकी अभी छुट्टियाँ चल रही थी। तो गाइस आप लोगों के घर पे भी प्लांट होंगे, तो आप लोग भी टाइम से पानी डालो, क्योंकि तो ये भी हम लोगों की तरह ही होते हैं, मगर ये बेजुबान होते हैं, तो इनको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कैसे बताएंगे, मगर हमें ही इनके बारे में सोचना है ना। गाइस यहाँ पे घोड़ा भी घास खा रहा है, देख सकते हैं आप लोग, कहावत इसमें घोड़ा घास खाएगा, उसके साथ में बुगला भी बैठा है, घोड़ा घास खा रहा है। तो ये हमारे घर के सामने का व्यू है, वहाँ पे ऋषभ का स्कूल भी है, गरबार पब्लिक स्कूल। तो गाइस नहा लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं, तो अब चलते हैं नीचे, देखते हैं दोनों चीकू और ऋषभ क्या कर रहे हैं। तो गाइस अभी देखते हैं नीचे। ये गाइस बुद्ध भगवान जी हैं हमारे, जो घर के सामने, घर के अंदर ही लग रहे हैं, गेट के सामने। एक बल्ब फ्यूज हो गया इस पर, तो ये भी चेंज कराना है। तो गाइस चलते हैं नीचे, देखते हैं
क्या कर रहे हैं ये दोनों, चोरी से देखते हैं क्या कर रहे हैं दोनों। तो गाइस ये देखो, ये देखो ये क्या कर रहा है, देखो क्या खा रहा है भाई। ये देखो गाइस मैगी खा रहे हैं। तुम क्या बना रहे हो? बैगन का भरता। गाइस बैगन का भरता बन रहे हैं, चाय बन चुकी है। ये देखो गाइस सौरभ जोशी ब्लॉग्स देख रहे हैं ये लोग। देख सकते हैं ची को दवाई कैसे पी रहा है, इसको दवाई पिलाना भी एक टास्क के बराबर है। देखो मम्मी आपने वो वाला बताया? क्या वाला? जो मामा कल दिखा रहे थे। मैंने बताया ब्रेकफास्ट आ चुका है, बैगन का भरता है, पराठा, चाय। तो गाइस इसको खा के फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो निकलते हैं अभी ऑफिस के लिए, रेडी तो हो ही चुके हैं, बस नाश्ता करेंगे, 11 बजे हम लोग निकल जाएंगे। मैं गेम खेल रहा हूं। हो गया पाठा? तो गाइस ये पाठा मांग रहे हैं, इसको पाठा देते हैं। पापा पापा इसको ठंडा करके देना पड़ता है। लो लो जल्दी लो। तो गाइस देखो पाठा खा रहा है चिक्का। गम है? नहीं गम नहीं, अभी इसने मम्मी के साथ मैगी खाई थी तो ये बस अब जा रहे हैं। जल्दी खा लो जल्दी जल्दी। ये मेरी गोदी में आके बैठ गया है और बोल रहा है मुझे नाश्ता कराओ। कैसा है? अच्छा है। करो गया है। बटर पराठा, बटर के साथ पराठा खा रहा है। कैसा लग रहा है? बैगन का भरता नहीं खाता? तो गाइस अपना तो नाश्ता खत्म हो चुका है, चाय ठंडी हो गई थी तो दूसरी चाय भी ले ली है। बस अब थोड़ी देर बाद 11 बजे, 11:15 बजे, 11 बजे तक हम मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। 11 बजे तक ऑफिस के लिए मिलेंगे, फिर रात को 11 बजे। गाइस कल रात को तो बहुत अमेजिंग हुआ, मेरे घर से बस अड्डा 2 किलोमीटर, 2 या 2.5 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा ही होगा, तो वहाँ से रात को घर तक पैदल आए। इवनिंग ड्यूटी बड़ी डिफिकल्ट है, खैर जॉब करनी है क्या करना पड़ेगा। रात को मैं आया, कल ऑफिस से निकला 10 बजे तो रात को पहुँचा यहाँ पे एटलीस्ट 12:10 पे। तो गाइस रेडियो गाइस चिकू काम कर रहा है, देखो देखे आ रहा है, देखे आ रहा है। तो गाइस ये अपनी दादी को बोलते हैं मिम्मी। मिम्मी कहाँ है? मिम्मी पहले बताओ मिम्मी कहाँ है, गाइस को बताओ मेरा मिम्मी कहाँ है, जल्दी बताओ, पहले बताओ, जल्दी बताओ। मिम्मी को बोलो चाय लेके आएंगी, बोल क्या मिम्मी चाय दे दो। हाँ ये मिम्मी को देखो पहले जल्दी से। तो गाइस देने जा रहे हैं मिम्मी को, अभी गुस्सा हो गया, सारा काम इसी से करा रहे हैं। ओह फेंक दिया, पहले मिम्मी को देख आओ, मैं जब भी गोदी में बिठाऊंगा नहीं तो नहीं बिठाऊंगा, पहले देख आओ मिम्मी को। किसको देख आओगे? हाँ किसको देख आओगे पहले बताओ। गुस्से में यार रख दिया, अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारा काम कर रहा था, पहले मैं नहीं बैठाऊंगा, मैं नहीं बिठाऊंगा, मैं नहीं बिठाऊंगा जब तक आप इसको नहीं देख आओगे मिम्मी को। जब देख दादी बुला रही, दादी बुला रही, देख ये गाइस मैं बैठने के लिए बोल रहा हूँ। देखो
गाइस को हेलो तो बोलो एक बार। ये मुंह पे क्या लगा रखा है देखो वाइट वाइट, पूरा वाइट वाइट किया। चाय पी ली? नहीं फूल रहे, पोपट हो गया इसका। फूलेंगे पाओ, खूब सारा उड़ा ना। वाओ ये देखो, ये खत्म होने वाला है ना। चिकूड़ आएगा, चिकूड़ आएगा, चिकूड़ आइयो। चिकू पकड़ो उसको, पकड़ो। ये देखो कितने सारे, ये बस इसका कल एग्जाम हो, कोई कह सकता है इसका एग्जाम है कल? और मैं अपने लिए लाया। तो गाइस पीछे हमारा ब्लॉग चल रहा है, वृंदावन पार्ट टू। हाँ ये पेन भी लेके आया, लेड पेंसिल। कौन सी है? लेड पेंसिल। लेड पेंसिल, लीड पेंसिल, लीड पर इसको मैं लेड पेंसिल होता हूँ। और देख सकते हैं ये, तो गाइस इसने अपनी ज्योमेट्री भी तोड़ दी, देख सकते हैं। अभी एक महीने से डेढ़ महीना, बानवी की भी सेम ऐसी ज्योमेट्री है, एक से डेढ़ महीना ही हुआ है और उसने देखो तोड़ भी दी है। क्या शापा निकल गया देखो, ये इसके साथ आई है पूरी। ये रेजर है जो ऐसे खुलती है, ऐसे ऐसे बंद भी कर सकते हैं। बस 20 रुपीज की मिलती है स्टेशनरी पे। ये ऐसे लगती है जैसे प्लग जैसी है, ऐसे दबाओगे, ऐसे दबा के देखना लाइट निकलेगी। लाइट भी चलती है इसमें? नहीं। तो गाइस हमारा ब्लॉग भी चल रहा है वृंदावन पार्ट टू। तो गाइस आप देखो कितने सारे रुपए हैं इसके पास, कितने रुपए दिखाओ ना। तो गाइस देखिए, 500 का नोट नकली, चूरन वाला 100 का नोट नकली, मनोरंजन बैंक 2000 का नकली। भाई ये तो बंदी हो चुका है। 200 का दिखाओ, ये 200 का है, 200 का नोट, ये भी नकली। ये बोर्ड गए देखो, सारे नकली नोट जेब में इकट्ठे कर रखा है। ये फालतू की चीजें खरीदता है गाइस, ये हमारा ऋषभ है ना। ये देखो, हाँ ये फुलाएगा, जल्दी फुलाओ। गाइस देखो फूक मारेगा, देखो मारियो, देखो फूक मार रहा है, देखो फूक नहीं लग रही है उसमें। तो गाइस ऑफिस आने के लिए रेडी हो चुके हैं, समय आ गया ऑफिस जाने का, तो मिलते हैं बैठे। चलो भाई गाइस बाय बाय बाय, बैग दे दो, मेरा बैग। बाय बाय, इधर देखो, देख नहीं रहा वो, खाने मस्त हो रहा। बाय तो बाय, मिलते हैं रात को, ठीक है बाय। सतानी मत करो, ट्यूशन चले जाना, ठीक है, मिलते हैं फिर शाम। शाम को कितने बजे आओगे? भाई 12 बज जाएंगे, 11-12 बजे, ठीक है बाय बाय बाय। जय श्री श्याम। तो गाइस डिनर आ गया है, अब डिनर करते हैं। मैं तो ऑफिस से खा के नहीं आया कुछ भी, बस अभी दाल और चावल डिनर करते हैं। दाल और चावल है डिनर में, डिनर करते हैं। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, डिनर हो चुका है, मिलते हैं। चलते हैं सोने ऊपर कमरे में। तो गाइस मैं ऊपर वाले कमरे में आ गया हूँ अपने कमरे में। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।